विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आपको क्या करना है, अहंकार जो कर रहा है उसका अपोजिट करना है। अहंकार क्या कर रहा है, अंत में अपना एक टुकड़ा ऊपर रखता है। आपको डिसाइड करना है कि अंत में सबसे ऊपर मैं पीस ऑफ पीस रखने वाला हूं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाए, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाए। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाए। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूं ऐसा ज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूं, मैं चिंतित हूं ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। डीएस, दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे
समस्याओं के पीछे समाधान आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा, भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले, ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य प्रेम, द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है, उसमें स्थापित हो, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से
तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आदत क्यों बनी रहती है? क्योंकि सहूलियत मिल रही है। आदत समाप्त होती है जब उससे लाभ मिलना बंद हो गया, क्योंकि आपको तेज लाभ में रुचि आ गई। अब तेज लाभ सबसे इंपॉर्टेंट है। लोभ लालच नुकसान के ऊपर तेज लाभ, तो ये चोर को आप प्रकाश में ला रहे हैं और देख रहे हैं अपने जीवन में कि अहंकार मुझे कैसे सेपरेट करता है, लोगों से अलग मनवाता है। और सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि दूसरों से श्रेष्ठ भी हूं ये यकीन दिलवाता है। जब ये समाप्त होगा विचार, तब आप कैसे रहेंगे? खुलकर खिलकर उपस्थित हैं आप, और जो आनंद मिलेगा तब आप कहोगे मैं इस आनंद से क्यों वंचित था इतने सालों तक। तो ये शुभेच्छा जगे, इसमें बल आए ताकि आप इस पर विग्रसली काम कर पाओ, इस कुछ नहीं के पीछे जा पाओ। जो खजाना मिलेगा, कुछ नहीं को कुछ नहीं मत समझना। जब आप अनुभव पर गए तो कुछ नहीं का अनुभव, क्योंकि आकार मिट गया, आकार है तो कुछ है, आकार मिट गया तो कुछ नहीं है। याद दिलाकर आप अहंकार को प्रकाश में लाएंगे और देखेंगे कि बहुत सहजता से बॉडी पर चाहे इमोशन है, बुरी फीलिंग है, मगर आप आनंद में रह सकते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद देखते हो चला गया। हर इमोशन मिटने के लिए आता है, हर बुरी फीलिंग जो दबी हुई है हमारे अंदर ऊपर आती है मिटने के लिए, मगर लोग मिटाते कहाँ है, वो वापस दबा देते अंदर, वापस दबाते हैं या सामने वाले एक पर चिल्लाकर उसको परेशान कर देते हैं और ये चिल्लाने की आदत और बढ़ती है, यानी बुरी फीलिंग का बीज फिर डालते हैं, फिर से वो कर्म फल लाता है, फिर से वही फीलिंग आती है। ये किस्सा जिंदगी भर चलते रहता है। तो अभी आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। अहंकार जो कर रहा है उसका अपोजिट करना है। अहंकार क्या कर रहा है? अंत में अपना एक टुकड़ा ऊपर रखता है। आपको डिसाइड करना है कि अंत में सबसे ऊपर मैं क्या रखने वाला हूं। मैं पीस ऑफ पीस रखने वाला हूं, शांति का टुकड़ा सबसे ऊपर। वर्ल्ड पीस पीस बाय पीस कैसे आएगा? जब आप ठान लोगे पीस ऑफ पीस, शांति का टुकड़ा। अहंकार का टुकड़ा रखते थे, क्या होता था? अब शांति का टुकड़ा रखोगे। चोर क्या करके जाता था, अब आप क्या करोगे? आप वो निकाल कर नीचे रखोगे और शांति का पीस ऊपर रखोगे, सब बदल जाएगा। अगर आपने ठान लिया सर्वोपरि पीस ऑफ पीस, सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन। सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन। मौन का अर्थ क्या है? ये शांति को बोर्डम मत समझना, क्योंकि मौन शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम लोगों को, तो वो सोचते मौन यानी बोर्डम, शांति यानी बोर्डम, सब शांत है, बोर हो रहा है। ये उस शांति की बात नहीं चल रही, ये तेज शांति है। पीस कौन सा है? ये मौन है अनुभव का, स्व अनुभव का। स्व अनुभव को मौन शब्द में डिस्क्राइब किया गया। कोई ना कोई शब्द लेना पड़ता है,
प्रेम तो आप समझ पाते हो क्योंकि रिश्तों में हो, आनंद समझ पाते हो क्योंकि सुख दुख चलते रहता है, सुख आनंद की तरफ ध्यान दिलाता है। मगर मौन को समझना लोगों के लिए कठिन है। अनुभव करके लोगे, संतुष्टि करके लोगे, सोर्स करके लोगे तो बात समझ में आएगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।